नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए बीएससी बीकॉम की स्कीम कब आएगी, यानी एग्ज़ाम कब से स्टार्ट करेंगे। जब मैंने 2 महीने पहले एक वीडियो अपलोड की थी तो उसमें आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर अब बताइए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, इसका कोई नोटिफिकेशन आया, कोई अपडेट आया है तो आप वीडियो के जरिए हमें इन्फॉर्मेशन कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखनी है। हाँ, अगर आप बीए बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट हैं, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं जैसे कि मॉडल पेपर और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी जानकारी, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए, आज की इस वीडियो में हम पहले आरएमएलयू की बात करते हैं, यानी कि राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। कुछ इसमें अपडेट्स आई हैं जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखनी है, ठीक है। तो चलिए हम इसकी ऑफिशियल साइट को ओपन कर लेते हैं। जो स्टूडेंट आरएमएलयू से हैं, अदर से भी हैं, तो मैं लास्ट में जो अलग यूनिवर्सिटी है जैसे कानपुर और जौनपुर यूनिवर्सिटी, तो उनके बारे में बात करूँगा कुछ में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो जो हमारे अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, वो जब ऑफिशियल साइट ओपन कर देंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ से डायरेक्ट आ सकते हैं इस वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, एक ऑप्शन जिस पे लिखा रहेगा एकेडमिक कैलेंडर, ठीक है, उस पे जाना है आपको। तो हम सर्च कर लेते हैं एकेडमिक कैलेंडर कहाँ पे है, क्योंकि बहुत सारे इसमें आपको सिंबल, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। जैसे कि रिजल्ट आए तो रिजल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, एग्जामिनेशन स्कीम। अब आप सोच रहे हैं एग्जामिनेशन स्कीम यहाँ पर आएगी, तो मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। एग्जामिनेशन अभी स्कीम यहाँ पर अपडेट नहीं की गई, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ कहाँ पे अपडेट की गई, क्योंकि कुछ चीज़ें होती जो हिडन होती हैं। तो एकेडमिक कैलेंडर कहाँ पे भाई, ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है, एकेडमिक कैलेंडर कहाँ गया, चलिए मैं ढूंढ लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को बताता हूँ, थोड़ा स्किप करता हूँ वीडियो। तो फाइनली वो मिल गया है, ये देखो आप देख सकते हैं, ये एकेडमिक कैलेंडर, ठीक है, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ लिखा मिल जाएगा अकेडमिक कैलेंडर 2019-20, इस पर ध्यान देना आप लोगों को, ठीक है, इस वाले पे, और यहाँ पे लिखा है डाउनलोड। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ लिखा है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद अयोध्या शैक्षिक कैलेंडर शिक्षा सत्र 2019-20, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर जब पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा तो आप डीपली पढ़ लीजिएगा क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन आज के इस वीडियो के जो मेन मोटिव इसको मैं बता दूँ आप लोगों को। तो नीचे चलते हैं, नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, 22 नंबर पर देखना है, ठीक है। वार्षिक परीक्षाएँ समाप्त, यानी सॉरी, पहले हम प्रारंभ की बात कर लेते हैं, प्रारंभ 21 नंबर देखिए और 22 नंबर देखिएगा, पहले 21 नंबर। तो इसमें लिखा ये है दोस्तों, वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ होने की तिथि, ठीक है। तो जो आपकी वार्षिक परीक्षाएं स्टार्ट होंगी, यानी 2020 वाली, वो 24 फरवरी को दी गई हैं, ठीक है। और दूसरी लिखी है 22 नंबर, वार्षिक परीक्षाएँ समाप्त होने की तिथि 10 अप्रैल 2020, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों की जो बी ए बी एस सी बी कॉम के एग्जाम्स हैं, वो आप लोगों के 24 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, थीके? और जो एंड होंगे यानी समाप्त होंगे, वो 10 अप्रैल तक होंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, लेकिन ये कुछ दिन पहले अपडेट आया था तो मैंने सोचा जानकारी देना आपको ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि अभी एग्जैक्टली अभी एक बार हो सकता है, एक बार फिर से ये अपडेट हो स्कीम, हो सकता है 1-2 दिन आगे भी हो जाए, पीछे हो जाए, लेकिन बस 2-4 दिन का, यानी 1 हफ्ते से ज़्यादा डिफरेंट नहीं आएगा। अगर आएगा तो हो सकता है 24 फरवरी है, तो हो सकता है आप लोगों का 1 मार्च से स्टार्ट हो या 28 फरवरी से स्टार्ट हो, बस 1 हफ्ते से ज़्यादा गैपिंग नहीं होगी, ये कन्फर्म है, ठीक है। लेकिन फिलहाल जैसे भी कोई अपडेट आता है, नई स्कीम अपलोड की जाती है, तो मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्मेशन करूंगा, अदरवाइज ये तो मैंने वीडियो बना ली, आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। और हाँ, जैसे भी, जैसे अभी तो ये स्कीम डेट आई है, एग्जाम की डेट आई है कि हाँ एग्जाम इस डेट से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। और अभी एक और स्कीम आएगी एग्जाम की, जो डेट होगी जिसमें लिखा होगा हिंदी फर्स्ट का पेपर इस दिन होगा, ठीक है, इस डेट को, इंग्लिश का इस डेट को होगा, बीएससी का, मैथ का इस दिन होगा, फिजिक्स का इस दिन होगा।
वो जो जैसे वो वाली स्कीम आती है सब्जेक्ट वाइज वाली, तो उसके लिए मैं भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कर दूंगा, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने फिलहाल जो कानपुर यूनिवर्सिटी है ठीक है, और अवध वो जौनपुर यूनिवर्सिटी है, और पूर्वांचल है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी की मैंने वेबसाइट पर हम गए थे, तो वहाँ पर हमने देखा बहुत सारे अपडेट कुछ मिले नहीं मुझे, खास अपडेट देखने को नहीं मिले कि एग्ज़ाम स्कीम या कुछ और अदर स्कीम। तो फिलहाल अभी सिर्फ अवध यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ये अपलोड किया गया है एग्ज़ाम की डेट ठीक है, और अदर यूनिवर्सिटी की साइट पे नहीं हुआ, इसलिए मैं उस पर कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, इसलिए मैं नहीं बता सकता अब इसके बारे में। लेकिन जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन अपलोड करती मैं वेबसाइट चेक किया करता हूँ, जैसे भी इन्फॉर्मेशन आती है कोई भी नोटिफिकेशन तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कर दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। और हाँ, मैं मॉर्निंग में मॉडल पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, मॉडल पेपर से आप लोगों के एग्जाम में हो सकता है आपको लोग आइडिया लग जाए, हेल्प मिल जाए, तो अच्छी बात है। तो आप मॉर्निंग में क्लासेस हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, 8:30 के बाद मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए मेरे चैनल पर ठीक है। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।